वेलकम टू नाज़रीन सामईन इकराम, अस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला की ज़ात हम सब पे, अपने रहमतों का, अपने प्यारे महबूब आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके नज़ूल फरमाए। मेरा आज का टॉपिक है लिमिटेशन एक्ट कानूनी मियाद के मुतल्लिक। द लिमिटेशन एक्ट 1900 सेक्शन 11 और 12, दो सेक्शन हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। चंद अल्फाज में आप तक ज़रूरी मालूमात पहुँचाऊँगा। सेक्शन 11 ए, उसके तहत ये है कि अगर आपको कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है आपके हक में इमोबल प्रॉपर्टी की डिलीवरी, पोजेशन, कब्ज़ा आपके हक में हो गया है और मुखालिफ पार्टी आपको कब्ज़ा नहीं दे रही, तो आप कितने अरसे में अपना हक लेने के लिए, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हक और राइट जो है इस्टेब्लिश करने के लिए कोर्ट से रिव्यू कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि अगर उसमें कोई सेट असाइड एनी फैसला जो है या ऑर्डर जो है या आपकी काज ऑफ एक्शन के मतलब, तो उसके मतलब क्या कहता है वो सेक्शन 12 है। उससे पहले आपसे गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, व्यू और लाइक करें। ये कानूनी मालूमाती चैनल है, आप तक कानून की अच्छी मालूमात चंद अल्फाज में जो अहमियत की हामिल होती हैं पहुँचा रहा है। अपने दोस्त अहबाब में भी शेयर कीजिएगा, इससे मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी, आगाही होगी इससे। ये इमूवल प्रॉपर्टी आपकी जायदाद है, गैर मुकम्मल जायदाद जो होती है, बस का तनाजात पैदा होते हैं, कब्ज़ा नहीं मिलता है, पैसे दे देते हैं आप, फ्रॉड हो जाता है, कोई और वजूहात भी सामने आती हैं, तो कानून मियाद के तहत कि हम अपना केस जो है या मुकदमा जो है वो कितने अरसे के अंदर अंदर उस तनाज़ा पैदा होने के बाद कर सकते हैं। तो आज का मौजू जो है वो दफ़ा 11 और 12 है मेरा, यही गैर मुनकुला जायदाद की कब्ज़ा, हवालगी या डिलीवरी पोजेशन नहीं है आपके पास हो रही, दूर मुखालिफ पार्टी जो है आपको वो कब्ज़ा डिलीवरी नहीं दे रही, तो आप उसका एक साल के अंदर अंदर जो कोर्ट ने ऑर्डर किया है आपके हक में, उस तारीख से लेके एक साल के अंदर अंदर आप उस मुखालिफ पार्टी के एक्शन पे या उसकी ज़िद पे या उसकी डिलीवरी या पोजेशन या कब्ज़ा आपको ना देने पर कोर्ट की तरफ रजू कर सकते हैं। कोर्ट में दोबारा आप कोर्ट से ऑर्डर ले सकते हैं कि भी हमें हमारा कब्ज़ा पोजेशन दिलाई जाए, जबकि आपकी फाजल अदालत से हमें कब्ज़ा या ऑर्डर मिल चुका है। तो दफ़ा सेक्शन है कि लैंग्वेज में आप बताता हूँ, बाई अ पर्सन अगेंस्ट होम एन ऑर्डर हैज़ बिन मेड अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 5 of 1908 अपॉन एन एप्लीकेशन by the holder of a degree for possession of immovable property or by the purchaser of such property sold in execution of degree complaining of, वो कंप्लेंट करता है कि जी मुझे डिग्री मेरे हक में इशू हुई है तो मुझे डिलीवरी और पोजेशन नहीं मेरी, कब्ज़ा नहीं मिल रहा, वो दे रही है मुखालिफ पार्टी, तो वो या उसमें कोई रुकावट पैदा की जा रही है, ऑब्स्ट्रक्शन खड़ी की जा रही है ऑफ द डिलीवरी ऑफ पोजेशन देयर ऑफ आर अपॉन एन एप्लीकेशन बाय एन पर्सन डिस्पोज्ड ऑफ सच प्रॉपर्टी इन द डिलीवरी ऑफ पोजेशन देयर ऑफ टू द डिग्री होल्डर आर परचेजर टू एस्टैब्लिश द राइट विच ही क्लेम टू द प्रेजेंट पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी कंप्राइज इन द ऑर्डर। तो नाज़रीन इकराम, यह है कि आपको हक में अदालत ने फैसला किया है, आपको पोजेशन और डिलीवरी नहीं मिल रही, आप कंप्लेन हो रही है, आपको शिकायत, वो आप अपनी कोर्ट से रिव्यू कर सकते हैं उस डिलीवरी, उस कब्ज़े की, इमोबल प्रॉपर्टी के पोजेशन की, वो उसकी लिमिटेशन जो है कि कितने अरसे के अंदर अंदर हम वो केस कर सकते हैं
डिलीवरी और पोजेशन लेने के लिए जो आपने ख़रीदा है या आपके हक़ में ट्रांसफ़र हुआ है उसकी पोजेशन नहीं मेरी, तो उसके लिए आपको एक साल का अरसा मुहैया किया गया है। उस तारीख से जिस तारीख को कोर्ट ने आपके हक़ में फ़ैसला किया है उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का, और दूसरी मुखालिफ पार्टी आपको कब्ज़ा नहीं दे रही, तो जिस तारीख से आर्डर इशू हुआ था आपके हक़ में आपके राइट की इस्टेब्लिशमेंट के लिए, उस तारीख से लेके एक साल के अंदर अंदर वापस कब्ज़ा छुड़ाने या लेने के लिए आप केस कर सकते हैं। सेक्शन 12 कहता है टू सेट असाइड एनी ऑफ द सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री ऑफ अ सिविल कोर्ट, अगर फरोख्त की गई है जगह उसकी अजरा के लिए जो डिग्री इशू हुई है दीवानी अदालतों ने इशू की है, या फरोख्त की गई है सेल इन परसुएंस ऑफ अ डिग्री आर ऑर्डर ऑफ कलेक्टर आर ईदर ऑफिसर ऑफ रेवेन्यू, या कलेक्टर या रेवेन्यू ऑफिसर की तरफ से ऑर्डर हुआ है सेल ऑफ एरियर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू आर फॉर एनी डिमांड रिकवरेबल एज सच एरियाज, या कोई आपको बकाया जाते हैं और रेवेन्यू ऑफिसर की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आपको ऑर्डर जारी हुआ है तो उसके लिए, या सेल आर पटनी तलक सोल्ड फॉर करंट एरियज ऑफ रेंट। वजाहत करूँगा एक्सप्लेनेशन इन दिस आर्टिकल, पटनी इंक्लूड्स एनी इंटरमीडिएट टेन्योर सेलेबल फॉर करंट एरियज ऑफ रेंट। तो ये सेक्शन 12 कहता है कि अगर आप के लिए ऐसे हालात पैदा हो गए हैं, एरियर का मसला है, रेंट का मसला है, कोई उसके में डिग्री ऑर्डर कलेक्टर या रेवेन्यू ऑफिसर ने इशू किया है, या सेलियर ऑफ गवर्नमेंट एरियर गया जाता है उसके ख़िलाफ़ आपके खिलाफ केस हुआ है, तो उसकी एक्सप्लेनेशन और उसकी दादरसी के लिए और उसकी वजाहत के लिए आप कोर्ट से रिव्यू कर सकते हैं उस ऑर्डर की डेट से लेके एक साल के अंदर अंदर। तो ये सेक्शन 11 और 12 जो हैं ये हमारी रहनुमाई करते हैं सिलसिले में। अगर कोई सेट असाइड एनी ऑफ द सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री ऑफ सिविल कोर्ट, या दीवानी अदालतें सेट एक तरफा फैसला कर देती हैं, या गवर्नमेंट के किसी ऑफिसर रेवेन्यू ऑफिसर या बिहार के या किया है रेंट पे किया है किसी ने, तो उसके लिए आप एक साल के अंदर अंदर उस ऑर्डर जो सेट असाइड हुआ है एक तरफा फैसला हुआ है उसकी तारीख से लेके जब आपके नोटिस में आता है उस तारीख से लेके एक साल के अंदर अंदर आप कोर्ट से रिजू कर सकते हैं। तो ये नाज़रीन इकराम लिमिटेशन एक्ट कानून मियाद के मुतल्लिक जो हमें रहनुमाई मिलती है ये है। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।